नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनएससी बीएससी क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके ब्रांच ऑफिस दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में है। एनएससी के अस्तित्व में आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम की शुरुआत हुई और पेपर ट्रेडिंग सिस्टम खत्म हुआ। कारोबार के लिहाज से यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी में वर्तमान समय में 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। दोस्तों, एनएससी इंडिया जब हम गूगल में टाइप करते हैं तो सीधा हमें ये एनएससी के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आता है। इस एनएससी के वेबसाइट के माध्यम से हम जो भी जानकारी स्टॉक मार्केट के एनएससी के वेबसाइट पे जो भी ट्रेड हुआ है, चाहे करंट डेट का हो या उससे पहले का, वो सारा आपको डाटा यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार का ये वेबसाइट है और स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, ये सब आपको ये जानकारी इनके बारे में मिल जाएगा। ये लास्ट ट्रेडिंग डे को स्टॉक मार्केट में किस प्रकार ट्रेडिंग हुई है उसका ये आपको चार्ट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और उस दिन स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनियां टॉप गेनर्स रही हैं वो लिस्ट आपको यहां से मिल जाएगा और जो टॉप लूजर्स कंपनियां रही हैं उनका लिस्ट यहां मिल जाएगा। तो टॉप 10 स्टॉक्स लूजर और गेनर का लिस्ट आपको यहां से मिल जाएगा। इसी प्रकार नीचे जाके यहां पर आप इस पूरे वेबसाइट को विजिट कीजिएगा तो आपको एनएससी पर हुए ट्रेड और एनएससी से रिलेटेड आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एनएससी पर के इस वेबसाइट पर जाकर आप सारा डाटा निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आके देखिए, हाउ टू ओपन एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रॉड, ये सारे डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। और इस चीज को आप रीड करने के बाद, इस वेबसाइट को स्टडी करने के बाद, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप बिना किसी के सहायता के स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और वेबसाइट है बीएससी इंडिया। बीएससी इंडिया को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है। भारत सरकार ने 1957 के बाद सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत इसे भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी। बीएससी में 1995 से ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से बीएससी का वर्ल्ड में 10वां स्थान है। वर्तमान समय में बीएससी में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। दोस्तों, बीएससी इंडिया के जब हम गूगल में बीएससी इंडिया लिखकर सर्च करते हैं तो हमारे सामने ये बीएससी का ये वेबसाइट खुलकर आता है। और एनएससी की ही तरह ये बीएससी की वेबसाइट में अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या पूरा इस डिटेल वे वीडियोस में, छोटे से वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं हो सकता, लेकिन आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, यहाँ अबाउट बीएससी के बारे में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बीएससी क्या चीज है और ये देखिए, यहाँ से आपको बीएससी के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा। उसी तरह इन्वेस्टर रिलेशन है, मार्केट, पब्लिक इश्यू, कॉर्पोरेट एक्शन, मेंबर्स, इन्वेस्टर्स, मार्केट डाटा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये सारे डाटा यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और किसी कंपनी के बारे में यदि आपको जानना हो तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखकर आप उस कंपनी के बारे में सारा डिटेल निकाल सकते हैं।
जैसे ये देखिए एस्ट्रल कंपनी का आ रहा है, अगर ये देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे को इस एस्ट्रल कंपनी का ये देखिए प्रीवियस क्लोज ये रहा है ओपन 2190 का हुआ, हाई ये 2198 तक गया, लो इतना गया। तो ये सब चीजें आप इस वेबसाइट को विजिट करके आप सारा कुछ देख सकते हैं। इस वेबसाइट को आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के बीएससी सेगमेंट में आप ट्रेडिंग करने के लिए काफी कुछ आपके पास जानकारी हो जाएगी। तो ये इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।